हेलो एवरीवन, जैसे कि हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक्स और अभी हमारे चल रहा है एक क्लास 7 की पॉलिटी सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन सेकंड, जिसका इस वीडियो में चैप्टर है 5th, जिसका नाम है औरतों ने बदली दुनिया। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किए जाने वाला घर का काम काम नहीं माना जाता। हमने ये भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को आरंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कार्यों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किया पहले भी और आज भी। शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल ही के वर्षों में महिला आंदोलनों द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे। कौन क्या काम करता है? निम्नलिखित लोगों के चित्र बनाइए। एक किसान क्या काम करता है? एक मिल मजदूर, एक नर्स क्या काम करती है? एक वैज्ञानिक क्या काम करता है? और एक पायलट क्या काम करता है? और एक शिक्षक क्या काम? चलिए अब आपकी कक्षा में बनाए गए चित्रों को देखने के लिए नीचे दी गई तालिका को भरिए और अब हर व्यवसाय के लिए पुरुषों और महिलाओं के चित्रों को अलग अलग जोड़िए। इसमें पुरुष चित्र शिक्षक का और महिला चित्र शिक्षक, किसान, मिल मजदूर, नर्स, वैज्ञानिक, पायलट। इसमें वैज्ञानिक में पुरुष चित्र आ जाएगा, नर्स में महिला चित्र, मिल मजदूर वापस पुरुष, किसान वापस पुरुष, ये भी पुरुष, पायलट भी पुरुष, एक नर्स में फिर आएगा महिला है। रोजी मैडम की कक्षा में 3 बच्चे हैं। उन्होंने अपनी कक्षा में यही अभ्यास कराया। परिणाम इस प्रकार रहे। शिक्षक में 5 चित्र पुरुष चित्र, 25 महिला, किसान 30 पुरुष चित्र, 0 महिला चित्र, मिल मजदूर 25 पुरुष चित्र, 5 महिला चित्र, नर्स 0 पुरुष चित्र, 30 महिला चित्र, वैज्ञानिक 25 पुरुष चित्र, 5 महिला चित्र, पायलट 27 पुरुष चित्र, 3 महिला चित्र। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर की महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह से कर सकती है। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्सें हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। इन्हें परिवार के स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियों और महिलाओं के तकनीकी कार्य में सक्षम नहीं होती है। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं के विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह संयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य माने। यह समझना आवश्यक है कि जब हम ऐसे समाज में रह रहे हैं कि जहाँ बच्चों को
अपने चारों ओर की दुनिया में दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है, तो कभी हमारे अपने मित्रों की गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव दिया जाता है जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है। आपको याद होगा कि कक्षा 6 में पुस्तक में आपने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन में से ही दूसरों के सामने रोने पर चढ़ाया जाता है। बीच में एक एक क्या दिया हुआ है, ये है रूढ़ियों को तोड़ना। रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, पर झारखंड में एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा ने इस धारा का रुख बदल दिया। उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक है। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों व अन्य जिम्मेदारियों के हाथ भी बैठाती रही। उसके मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली ही कोशिश में उत्तीर्ण हो गई। लक्ष्मी कहती है, मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है, और ऐसे जैसे कि कोई यह कहता है कि फल काम लड़कियों के लिए नहीं है, तो मैं उसे करके रहती हूँ। लक्ष्मी के जीवन में ऐसे करने के अनेक अवसर आए। जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी, जब उसके पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई, तो जब उसने यह तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेगी, उसका दृष्टिकोण सीधा साधा है। जब तक मुझे मजा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूं, मैं अच्छे से कर रह पा रही हूं और अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूं, तो मैं अपने तरीके से क्यों ना जीऊं। ड्राइविंग हर ट्रेन नीला लाल विमेन फीचर सर्विस के रूपांतरित। परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूल में हर साल अधिक बच्चों के प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए ये कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच से बाहर है की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोगों की जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार के में होता था, उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति भी खराब थी उन समाजों में जहां बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी बुनकर वस्त्र बुनना और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह साधारण थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने का ही सीमित था। उदाहरण के लिए, कुम्हार के व्यवसाय में स्त्री मिट्टी एकत्रित करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। चूंकि वे चाक नहीं चलाती थी, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। बीच में एक कहानी दी हुई है, हे भगवान, जेवियर गणित में तुम सिर्फ 65% लाए हो, भौतिक शास्त्र में भी तुमने अंक बहुत कम है। मुझे पता है माँ, पर कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ, मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। तुम इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो? अपने भविष्य के बारे में सोचो। तुम एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, इतिहास में क्या मदद मिलेगी, इसमें कोई भविष्य नहीं है। पर मुझे गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता। समझदारी से काम लो बेटे, गणित ले लो और साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लेना। कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाती है। ये है चित्र, ये भी चित्र, किसका चित्र है? ये है रमाबाई, जो है 1858 से लेकर 1922 तक अपनी बेटी के साथ, ये वाली महिला शिक्षक
कि ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पीड़िता की उपाधि भी दी गई है क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी। पंडिता की उपाधि दी गई जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जा गई। उन्हें लड़की से चीजें बनवाने, छापा खाना चलाने जैसी कुशलता भी सिखाई जाती थी जो वर्तमान में लड़कियों को कम ही सिखाई जाती है। ऊपर बाई तरफ छपी तस्वीर में उनका छापा खाना दिख रहा है। रमाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है। ये है छापा खाना। 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज उन जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियां और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। आइए इन राजसुंदरी देवी 1800 से लेकर 1890 का अनुभव पढ़ें जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी और 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी और उनकी पुस्तक अमार जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा है। राजसुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी कि मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी। उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया, स्त्रियां पढ़ती नहीं है, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मुझे एक स्वप्न आया। मैं चैतन्य भगवान एक संत का जीवन पढ़ रही थी। बाद में मैं एक दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन कर रही थी, मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन मेरे, मैंने अपनी चैतन्य भगवान भगवती यहां छोड़ी है, जब मैं इसे मंगाऊं तुम इसे अंदर ले आना। ये वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा लिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्रों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उसमें से भी मैंने एक छिपा लिया। जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती। मैंने उन शब्दों का मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती रहती थी। अधिकतर जतन और कोशिशों के एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ना लिखना सीखी। इसके बीच में ये पैराग्राफ दिया हुआ है किसका, रुकया सखावत हुसैन और लेडीलैंड का उसका सपना। रुकया सखावत हुसैन 1880 से लेकर 1932 एक धनी परिवार में पैदा हुई थी जिसके पास बहुत जमीन थी। यद्यपि उसे उर्दू पढ़ना और लिखना आता था परंतु
उन्हें बंगला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। उस समय अंग्रेजों अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने एक नए विचार रखती थी, जिसे लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के संयोग से बंगला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा। आगे चलकर वे एक लेखिका बनी। 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी तो अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई थी। वे लेडीलैंड नाम की एक जगह पर पहुंचती है। लेडीलैंड एक ऐसा स्थान है जहां स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिला बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती हैं और हवाई कार्य चलाती है। लेडीलैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकें और पुरुषों के अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति को हरा दिया जाता है और बौद्धिक शक्ति से हरा दिया जाता है और पुरुष एक अलग थलग स्थान में भेज दिए जाते हैं। सुल्ताना लेडीलैंड में अपनी बहन सराह के साथ यात्रा करती हैं। तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह तो केवल एक स्वप्न देख रही थी। जैसा कि आपने देखा, रुकैया सुखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कार चलाने के स्वप्न देख रही थी जब लड़कियों को स्कूल जाने तक की अनुमति नहीं थी। इस तरह से शिक्षक के रुकैया का जीवन बदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई, उसकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने और लिखने की एक शक्ति नहीं दी वरन उसने उससे भी अधिक करने की शक्ति दी। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है। राज सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भगवान पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार के उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। राज सुंदरी देवी ने अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा है। ऐसे भी दिन दे होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था। इतना समय भी नहीं कि वे जरा बैठकर कुछ खा ही ले। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वाले के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए गए जाने वाले काम आदि। इन जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आंकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात। 1961 में जनगणना के अनुसार जब लड़कों और पुरुषों 7 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के, मतलब वो हो गए पुरुष, का 40% शिक्षित था, अर्थात वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। इसकी तुलना में लड़कियां तथा स्त्रियां का केवल 15% भाग शिक्षित था। वो कितना था? 40% 15%। 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों व पुरुषों की यह संख्या बढ़कर 82% हो गई और शिक्षित लड़कियों तथा स्त्रियों की संख्या 65%। इसका आशय यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब भी स्त्रियों की तुलना और पुरुषों की तुलना का प्रतिशत अधिक है। इसके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न वर्गों के उन लड़के और लड़कियों का प्रतिशत दिया गया है जो बीच में विद्यालय
छोड़ देते हैं। अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एससी के लड़के और लड़कियां इनमें शामिल हैं। स्कूल शिक्षा में औसत स्कूल शिक्षा में औसत वार्षिक ड्रॉप आउट दर ये है 2014 से 2015 के बीच की। ये स्कूल का स्तर प्राथमिक उच्च माध्यमिक माध्यमिक प्राथमिक होता है 1 से 5, उच्च माध्यमिक प्राथमिक होता है 6 से 8 और माध्यमिक होता है 9 से 10। ये होते हैं लड़के जो है प्रतिशत दिया हुआ है इतना इतना इतना, लड़कियां ये इतना। टोटल का प्रतिशत कितना यह सामान्य में जनरली सब मिला के ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में लड़के इतने छोड़ते हैं, लड़कियां इतनी छोड़ते हैं, टोटल इतने छोड़ते हैं। ये संभवतः आपने ऊपर दी गई तालिका को मैं इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2017 की जनगणना से यह भी पता चला है अलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदाय की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही है। दलित आदिवासियों और मुस्लिम वर्ग के बच्चों स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश में अनेक भागों में विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में अनियमित रूप से पढ़ाने के लिए न उचित स्कूल है न ही शिक्षक। यदि विद्यालय घर के पास न हो तो लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था न हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन है और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें के साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं, जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ। ये है प्रतिशत सभी लड़के और ये है अनुसूचित जाति जनजाति की लड़कियां। महिला आंदोलन। जब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है, अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। यह परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं। औरतों के व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इस परिवर्तनों के लिए संघर्ष किया है। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से कई औरतों और महिला संगठन इस आंदोलन में हिस्सा है। कई पुरुष भी महिला आंदोलनों का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं उनसे एक बहुत ही जीवित आंदोलन बनाती है। इसमें चेतना जागृत करने और भेदभाव का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। उनकी कुछ झलकियां आप यहां देख सकते हैं। यह है अभियान। भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप एक नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बना है जिसमें घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियान के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने के कार्य के स्थान पर शैक्षणिक संस्थाओं ने महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक दिशा निर्देश जारी किए। एक उदाहरण देखें तो
1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों को ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। नव विवाहित युवतियों को अपने पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना करी कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा। इस मुद्दे पर महिला सड़कों पर निकल आई। उन्होंने अदालत में दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव व जानकारी के आधार प्रदान किया। अंततः यह समाज एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। जागरूकता बढ़ाना। औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना महिला आंदोलनों का एक प्रमुख कार्य है। गीतों, नुक्कड़, नाटकों एवं सभाओं के माध्यम से वह अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाते हैं। विरोध करना। जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है तो जैसे किसी कानून का द्वारा, नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाता है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रेडियां, प्रदर्शन आदि द्वारा असरकारक तरीके हैं। बंधुत्व व्यक्त करना। न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का एक हिस्सा है। यह 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में दुनिया भर की औरतें अपने संघर्ष को ताजा करने के लिए, जश्न मनाने के लिए इकट्ठी होती हैं। हर 14 अगस्त को वाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होता है। ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करती हुई औरतें जलती हुई मोमबत्ती उठा रखी है। इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद।